बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। AQ चैनल की तरफ से आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसको शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप AQ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज जो मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कीमा आलू, और जो कि अक्सर आप ढाबों पे भी खाते होंगे, अपने घर में भी बनाते होंगे। जो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है 750 ग्राम कीमा, बीफ का कीमा लिया है मैंने 750 ग्राम कीमा, और 750 ग्राम ही मैं इसमें आलू यूज़ कर रही हूँ। 750 ग्राम आपकी मर्ज़ी है, आप कम अगर यूज़ करना चाहें। और गार्निश के लिए ये मैंने लिया है सब्ज़ धनिया, और इसमें जो बाकी वेजिटेबल्स डलेंगी वो हैं, ये हैं एक पाव टमाटर, दो प्याज, लहसुन, एक अदरक का टुकड़ा। लहसुन पूरा एक पंच ले लिया है मैंने, इसको छील लिया है और मैं इसे सिल पर या कुंडी पर कूट लूँगी। और ये छोटी सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने 6-7, और बड़ी 3 सब्ज़ मिर्च ली हैं। मसाले इसमें जाएंगे, ये 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक, और काली मिर्च इसमें जाएगी हाफ़ चाय का चम्मच, हाफ़ टी स्पून। और ऑयल इसमें जाएगा आयत कुकिंग ऑयल 1 कप। ये आयत कुकिंग ऑयल है, मेलेशियन ब्रांड है, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक इसको तैयार किया गया है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और आप इसे इस्तेमाल कीजिए। चलें फिर स्टार्ट करते हैं कीमा आलू। और दो शीट से शुरू कर देते हैं। मैंने प्याज को हाफ स्लाइस में काट लिया, और हाफ स्लाइस में इसमें इसलिए काटती हूँ क्योंकि ना प्याज अच्छे से मिक्स हो जाती है। कोई भी आप सालन बनाएं या ग्रेवी बनाएं या आलू कीमा, किसी चीज़ में भी आपको प्याज अगर मिक्स चाहिए तो आप हाफ स्लाइस में काटते हैं या गोल गोल काटते हैं आप प्याज को। अब मैंने इसका फ्लेम ऑन कर दिया है, इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया। प्याज को मैं लाइट गुलाबी सा करूँगी, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना मुझे, लाइट सा कलर देना है। और फिर मैं इसमें कीमा डाल के फ्राई करूँगी, और लहसुन अदरक को डाल के फिर उसको फ्राई करूँगी अच्छी तरह, ताकि कीमे की जो एक ख़ास खुशबू होती है ना उसको ख़त्म करना है मुझे फ्राई करके अच्छा सा। और आपको मसाला बताया मैंने, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने पिसा हुआ धनिया यूज़ नहीं किया। धनिया कीमे में मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि धनिया जो है वो कीमे का कलर काला कर देता है। तो ये बहुत बड़े एक शेफ़ हैं थे, वो अल्लाह उनको जन्नत में फिरदौस में जगह दे, उनका इंतकाल हो गया है। और ज़ुबैदा आपा भी थी, वो भी उनका भी इंतकाल हो गया है। उन्होंने भी कई शोज़ में अपना बताया था कि अगर कीमे में धनिया डाल दें तो उससे रंग काला हो जाता है, कीमे में और दाल में, इन दो चीज़ों में मैं पिसा हुआ धनिया नहीं डालती, कलर ख़राब कर देता है। चलिए इसको ब्राउन कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट सा, ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन करना है। इतनी देर में मैं लहसुन अदरक को कुंडी पर कूट लेती हूँ। ये देखें, बस प्याज मुझे इतना ही चाहिए। कीमे को मैंने एक स्ट्रेनर में डाल के रखा हुआ है ताकि छलनी में, ताकि उसका ब्लड श्लड जो है वो कीमे में होता है, जितना भी आप उसको इस्तेमाल करें, धो लें कर लें, उसमें ब्लड रह जाता है। इसमें लाल मिर्च डाल दिया मैंने, इसमें कीमा, इसे मैं फ्राई करूंगी अच्छा सा, ताकि इसकी एक जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। Thank you.
750 ग्राम कीमा लिया है मैंने। जब ये वाइट हो जाएगा तब मैं इसमें थोड़ा सा जो लहसुन मैंने पीस के रखा है उंडी में कोट के रखा हुआ है अच्छा सा पेस्ट बना लिया मैंने इसको। लहसुन अदरक एक टुकड़ा अदरक का और एक पूरा बंच लहसुन का। थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर मैं इसमें लहसुन डालती हूँ। फ्राई हो गया देखिए, जब ये दाना दाना सा बन जाए समझे कीमा आपका फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक को कूट के रखा हुआ है मैंने। और साबुत जीरा जाएगा इसमें। लहसुन ने अपना पानी छोड़ दिया, इसी पानी में इसकी सारी जो कीमे की खास स्मेल होती है ना वो खत्म हो जाएगी। जाएगा पहले जीरा, साबुत जीरा यूज किया है मैंने। हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक आपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और काली मिर्च में थोड़ी देर में डाल दूंगी। इसको मैं अच्छे से भून लूंगी फिर इसमें टमाटर डालूंगी। पहले मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। ये देखें कीमा बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है, पानी शुष्क हो गया इसका। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, एक और टमाटर ले थी मैंने, इसको काट लिया है मैंने, बारीक काट लिया ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक कप दही भी रहेगा इसमें। मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी, फ्रिज में रखा था दही, एक कप भर के इसमें दही जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। बीफ का कीमा है ना तो फिर गलाना है मुझे इसको। टमाटरों को भी मैंने अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। इतना के कीमा गल जाए, बीफ का कीमा है इसलिए। और मीडियम आंच पर इसको मैं पकाऊंगी, आपने मीडियम आंच रखनी है।
से गलने तक मैं पका लूँ। ये देखिए माशाल्लाह कीमा मिल गया। बहुत अच्छा सा भून गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू। आलू को मैंने धोकर कर काट लिया था और ये मैंने पानी में डाल के रखे हुए ताकि काले ना हो। मैंने ऐसे स्लाइस में काटे हैं, गोल स्लाइस में। आपकी मर्जी, आप क्यूब शेप में काट लें। आलू को अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें डाल दूंगी मैं दही, एक कप दही। इतना पानी के आलू इसमें गल गए। बस मीडियम आंच पर इसको पकाऊंगी। सब्ज़ मिर्ची में जब आलू हाफ डन हो जाएंगे ना, तब मैं सब्ज़ मिर्ची डालूंगी ताकि वो भी साथ गल जाए। अभी डाल दी तो वो फिर ज़्यादा गल जाती हैं, अच्छी नहीं लगती, मिक्स हो जाती है कीमे में। अब मैं इसको ढक दूंगी। आलू गलने तक इसको मैं पकाऊंगी। मैंने बिल्कुल मीडियम आंच पर इसको पकाया है। देखें आलू जो हैं वो बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैं बहुत ज़्यादा इसमें इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि सब्ज़ मिर्च जो है वो कीमे में बहुत अच्छी लगती है। और अब मैं इसे तकरीबन 5 मिनट दम लगाऊंगी ताकि मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगा दूंगी। कीमा वैसे हमारा रेडी है। और बिल्कुल स्लो आंच पर मैंने इसे दम लगा दी। इसमें मैं डाल दूंगी सब्ज़ धनिया। थोड़ा सा गार्निश के लिए बचाकर बाकी मैं इसमें डाल दूंगी। और काली मिर्च, थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल दूंगी। बस अब मैं इसे दम पे लगा दूंगी। आलू कीमा हमारा रेडी है। रेडी है आलू कीमा जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आलू कीमा रेडी है। हमने इसको बीफ से बनाया है और मैंने इसको सब्ज़ मिर्च से गार्निश कर दिया है। अदरक भी डाला है क्योंकि ये बीफ का कीमा है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें ये खुश खुश ज़्यादा अच्छा लगता है कढ़ाई कीमे की तरह। ऑयल आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और वीडियोस पर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, और हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। एक यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस पर बहुत से और भी करंट अफेयर्स के और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स आते हैं, आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और दुआओं में एक यू चैनल को याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।